नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। मैं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात ओमिक्रॉन से बचाव की। देश के 23 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है और अब तक 665 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 167 और दिल्ली में 165 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों में सख्त पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से हुनर हाट का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों ने स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। आपको बता दें कि इस बार हाट की थीम वोकल फॉर लोकल पर आधारित है, तो वही इस हाट की शुरुआत 23 दिसंबर से हुई थी और अब ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते ये 5 जनवरी के बजाय 1 जनवरी को ही बंद कर दिया जाएगा। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर द्वारा लखनऊ स्थित IISR तालीबाग में एग्रोविजन 2021 का आयोजन किया गया, जहां हंस कृषि यंत्र ने कृषि जागरण से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। हमारी कंपनी लगभग पिछले 60 साल से कृषि यंत्रों का निर्माण कर रही है और किसानों को लेटेस्ट कृषि यंत्र प्रोवाइड करा रही है, और हम लोग यहाँ पे आए हैं इस एक्सपेक्टेशन से कि हम अपने मार्केट को और मजबूत कर सकें, किसानों की कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके, उनसे उनके बारे में जान सके कि हमारे यंत्र के क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि कुछ हमारे नए डीलर्स इस मेले के थ्रू, फेयर के थ्रू हमसे जुड़े। बिहार के किसानों को बाजार की जानकारी देर से मिलने के कारण उन्हें फसलों की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती, लेकिन राज्य के किसानों की सालों की इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार इस पर काम कर रही है। दरअसल 1 जनवरी 2022 से बिहार की 58 कृषि मंडियों में बिकने वाली फसलों के भाव को रोज एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर एग्रीमार्क पोर्टल पर अपलोड करेंगे। वहीं किसान अब www.agrimarket.gov.in पर जाकर रोज भाव देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश के 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को 20 एकड़ कृषि जमीन से अधिक जमीन को गैर कृषि कारणों के लिए इस्तेमाल न करने की मंजूरी का आदेश जारी कर दिया है। राजस्व बोर्ड द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर भूमि राजस्व अधिनियम 1996 के तहत कार्रवाई की है। इसके तहत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि डिप्टी कमिश्नर सेक्शन 133A के तहत कार्रवाई करे। पशुपालकों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान में 17 दिसंबर 2021 तक 50,454 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। 15 फरवरी 2022 तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत 15 नवंबर 2021 से की गई थी, जिसका नाम देशव्यापी AHDF KCC अभियान है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि इफको द्वारा किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए नैनो तरल यूरिया तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया लिक्विड पारंपरिक रूप से उपयोग किए जा रहे दानेदार यूरिया से सस्ता है तथा पर्यावरण के अनुकूल है। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि जिले के प्रत्येक किसानों को नैनो यूरिया के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जाए। किसानों को अब खेत में 45 किलोग्राम का बैग ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए नैनो यूरिया तरल की 500 ml की बोतल ही काफी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन एंड अचीवमेंट्स में कृषि विश्वविद्यालय में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से जारी की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. कंबोज ने इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों को बधाइयाँ दी हैं। पहाड़ी राज्यों में जारी बर्फबारी ने दिल्ली NCR समेत समूचे उत्तर भारत के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। दिल्ली NCR में भीषण ठंड के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने से दिल्ली में शीतलहर की स्थिति बन गई है, तो वहीं IMD ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।